नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। पाकिस्तान में टिड्डियों की मार पड़ी है और पाकिस्तान के साथ साथ भारत में भी इसका भयंकर असर देखा जा रहा है। इस बीच पाक पीएम इमरान खान ने कहा कि देश टिड्डियों के हमले से जूझ रहा है, ऐसे में लोगों को इन्हें पकड़ना चाहिए और इसे बेचकर कमाई करनी चाहिए। वो इन्हें पकड़कर मुर्गी पालन करने वालों को बेच सकते हैं। मुर्गी पालन करने वाले इन टिड्डियों को 15 रुपये प्रति किलो की दर से खरीदेंगे और उसका इस्तेमाल मुर्गियों के चारे के रूप में करेंगे। संघीय कैबिनेट की एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए पीएम इमरान खान ने टिड्डी खतरे से निपटने के लिए इस आउट ऑफ द बॉक्स प्रस्ताव का समर्थन किया और कहा कि लोगों को टिड्डियों को पकड़ने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी, साथ ही इसे प्रोत्साहित भी किया जाएगा। COVID-19 से पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था पर खासा असर पड़ा है। देश में बढ़ रही महंगाई और बेरोजगारी से अर्थव्यवस्था का बेड़ा गर्क हो रखा है और COVID-19 से इसमें और भी तेजी आ गई है। पाकिस्तान में रोजगार संकट गहराता जा रहा है, ऊपर से टिड्डियों के हमले से फसलें भी बर्बाद हुई हैं। ऐसी विपरीत स्थिति को देखते हुए पीएम इमरान खान ने इस संकट को अवसर में बदलने का फैसला लिया है। उन्होंने टिड्डियों को पकड़ने और बेचने की योजना को मंजूरी दी है। पाक मीडिया की माने तो देश में बलूचिस्तान प्रांत टिड्डियों के हमले से सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। यहाँ के 31 जिलों पर टिड्डियों ने हमला किया। खैबर पख्तूनख्वा के 10, पंजाब प्रांत में 4 और सिंध में 7 जिले टिड्डियों के हमले से प्रभावित हैं। लेकिन विपक्ष का कहना है कि टिड्डियों के बचाव के बजाय पीएम उल्टी सीधी बात सुझा रहे हैं और किसानों के दुख दर्द पर जले पर नमक लगा रहे हैं। वैसे आपको बताते चले कि इमरान खान अजीब अजीब से बयान देने के लिए मशहूर है। काम कम लेकिन सलाह ज़्यादा देते हैं।